हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं भोलानाथ महतो एंड आज के इस वीडियो में लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिया विल बी मैन्युफैक्चरिंग जॉइंट और ये बात तय है। तो लेट्स बिगिन, बट बिफोर दैट इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट न्यू अपडेट। दोस्तों वीडियो की शुरुआत में हमने बोले थे कि इंडिया कैन बी मैन्युफैक्चरिंग जॉइंट या फिर आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग हब दुनिया का बन सकता है। तो इसके पीछे क्या कारण है, तो कुछ दिन पहले का न्यूज आप देख सकते हो। साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग ने अपना डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना से शिफ्ट करके नोएडा पे लगाया है, उत्तर प्रदेश नोएडा में। दोस्तों आप पूछोगे कि सैमसंग ने ऐसा क्यों कर रहा है, कि चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्यों शिफ्ट कर रहा है नोएडा इंडिया में, तो इसके पीछे क्या रीज़न है। तो इसके पीछे रीज़न है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ट्रेड वॉर चालू किया था चाइना के साथ और जितने भी जापानीज कंपनी, साउथ कोरियन कंपनी या फिर यूएस की कंपनी, उन लोग को बोले थे, उन कंपनियों को बोले थे कि आप अपना प्लांट चाइना से बाहर लगाइए, जैसे इंडिया, ब्राज़ील या फिर यूएस में लगाए, फिलीपींस में लगाए, बांग्लादेश में लगाए। बोले थे कि जल्दी से जल्दी चाइना से बाहर निकल जाइए, क्योंकि चाइना बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे दूसरे कंट्री के ऊपर। दोस्तों और एक कारण है चाइना छोड़ने का, ये सब जितने भी कंपनियाँ जैसे एप्पल, सैमसंग, ये सब चाइना छोड़ने का और एक कारण है कि चाइना के अंदर एवरेज बिजनेस ज़्यादा है। इसका मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ पे अच्छा है चाइना के अंदर, और वहाँ पे लेबर, लैंड और जितने भी हैं वो ज़्यादा महंगा है, एक्सपेंसिव है कंपेयर टू इंडिया और जितने भी डेवलपिंग कंट्री। इसी कारण जो आप देख रहे हो सैमसंग, एप्पल और बहुत सारी कंपनियाँ इंडिया में आ रही। दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए, जैसे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी आए, इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कुछ पॉलिसियाँ भी लाई, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2017। इस पॉलिसी का प्रावधान ये है कि जितने भी कंपनियां बाहर से इंडिया में आएंगे तो उन लोग को इंसेंटिव दिया जाएगा, जैसे उन लोग को लोन आसानी से मिल जाएगा या फिर लैंड का इशू नहीं होगा, लैंड मुहैया किया जाएगा, उसके बाद लेबर भी मुहैया किया जाएगा और कुछ छूट भी मिलेगा और कुछ इंसेंटिव, कुछ उन लोग को पैसा भी मिलेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां इंडिया में इन्वेस्ट करें और यहाँ पे आए और यहाँ जॉब क्रिएट हो। इसीलिए 2020 में सैमसंग ने पुल आउट किया अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और इंडिया में लगाया नोएडा में सबसे बड़ा, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नोएडा में लगाया। और इस प्लांट में 120 मिलियन मोबाइल फ़ोन प्रत्येक वर्ष बनाया जाएगा और हाल ही में जो डिस्प्ले का यूनिट है उसको भी शिफ्ट किया चाइना से नोएडा में। तो ये गुड न्यूज़ है और इससे पता चलता है कि इंडिया आने वाले भविष्य में दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वी ऑल वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल पर आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।